हे गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रूम विद किरण सचिन। और आज हम लोग बात करेंगे हेलमेट सैनिटाइजर के बारे में। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग नॉर्मली जब राइड पर से जाकर आते थे, एक डैम्प स्मेल आती थी हम लोग के हेलमेट के पैडिंग में से, प्लस ऊपर से जो भी मच्छर मरते हैं आपके वाइजर पर, आपके हेलमेट पर, और आपकी हेलमेट इतनी गंदी हो जाती है डस्ट से, जो ट्रक आपके बाजू से गुजरता है वो काले धुएं से आपकी हेलमेट इतनी गंदी हो जाती है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग घर आते थे, वो पैडिंग निकालते थे और वो पैडिंग को हम लोग डिटर्जेंट में डालते थे और डिटर्जेंट में धोकर उसको सुखाते थे और फिर वो पैडिंग हम लोग वापस लगाते थे। सो इट वॉज लाइक वेरी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। ओके, हम लोग जब भी हेलमेट पहन रहे हैं तो हेलमेट पहनने के बाद उसका जो पैडिंग का जो क्लिप्स होते हैं, जो बटन्स होते हैं जिसमें आप में वो अच्छे से फिक्स करते हुए आपके हेलमेट के पैडिंग, वो निकल जाते थे और फिर हम लोग हेलमेट निकाल के वो फिक्स करना पड़ता था। बहुत बार ऐसा होता था कि ब्लूटूथ के जो वायर्स है वो ऊपर नीचे हो जाते थे, तो हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था जब हम लोग 2015 से हमारी राइडिंग चालू किए थे। फाइनली अ ईयर बैक वी केम अक्रॉस दिस हेलमेट सैनिटाइजर। बहुत ज्यादा सुकून हो गई है इसके वजह से। हम लोग साउथ राइड से जब वापस आए थे तब मेरी हेलमेट बहुत गंदी हो गई थी, प्लस इट वॉज टू स्मेली, बहुत ज्यादा वो स्वेट और वो सबका स्मेल आ जाता है। हेलमेट के अंदर हमेशा ये बालकलावा हम पहनते हैं, लेकिन ये बालकलावा पहनने के बाद भी बहुत लोग बहुत ज्यादा स्वेटी होते हैं। हम लोग ने ये यूज किया मेरे हेलमेट के लिए एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट वर्क्ड सो वेरी वेल। इनिशियली मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो हेलमेट का पैडिंग है, अगर मैं उसमें हेलमेट सैनिटाइजर यूज करूंगी तो वो बहुत ज्यादा स्मेली, बहुत ज्यादा केमिकल स्मेल आएगा मुझे और विल नॉट बी गुड फॉर माई स्किन। ये सारा मिसकंसेप्शन थे मेरे दिमाग में, पर ये यूज करने के बाद ना ही मेरे हेलमेट के अंदर वो केमिकल की स्मेल आई, इंस्टेड बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आती थी। ये हेलमेट सैनिटाइजर आपको क्लीनिंग करनी है और ओवरनाइट रख देनी है, क्योंकि थोड़ा सा गीला हो जाता है जिसको सूखने के लिए आपको ओवरनाइट रखने की जरूरत होती है। जस्ट आप राइड चालू कर रहे हो और इससे साफ करो और पहन रहे हो तो आपको थोड़ा डैम्प और मॉइस्चर फील होगा, विच विल नॉट बी, अकॉर्डिंग टू मी विल नॉट बी गुड फॉर योर स्किन एंड फॉर योर हेयर एंड एवरीथिंग। सो मेक श्योर आप ये एक रात पहले यूज करें, ना ही कि एक घंटा या दो घंटा पहले यूज करें राइड के। तो इसका डेमो हम अब दिखाते हैं कि हाउ इट विल वर्क। ये वाला हेलमेट देखिए कितना गंदा है, इसका वाइजर, इसका ये पूरा एक्सटीरियर पार्ट, ये सारा पीछे। आप हेलमेट का एक्सटीरियर, वाइजर और इंटरनल पैडिंग क्लीन कर सकते हो, प्लस हेलमेट सैनिटाइजर से आप कोई भी बाइक का जो विंडस्क्रीन होता है वो भी क्लीन कर सकते हो। रात के टाइम पे जब आप चला रहे हो बाइक तो इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज, ये सारे चीज जो आपके विंडस्क्रीन पे लगता है वो भी आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो हेलमेट सैनिटाइजर से। एंड यू कैन ऑल्सो यूज टू क्लीन योर विंडस्क्रीन। Wait for some time and then wipe it off. Pankar maza neighbor hai. Pankar maza neighbor hai. Tum aage par mara mana tha kitna kar raha tha. Look at clean, kitna acha se clean ho gaya, look at it. So let's clean this helmet now. कि आपका ब्लूटूथ लगा हुआ है तो फिर वो, ये देखिए यहाँ पर आपका ब्लूटूथ लगा हुआ है, तो अगर यहाँ पर भी फोम जाता है तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, तो डरना मत आप लोग। तो थोड़ी देर रुकना है आपको और फिर माइक्रोफाइबर से वाइप करना है। अगर आप नॉर्मली पानी से आपका वाइजर साफ करते हो तो हो सकता है कि डस्ट से स्क्रैचेस आ जाए, तो ये वाला जो है आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, दिस वे। अभी हम लोग इंटीरियर पार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये ओपन करिए आप। वाइजर के इंटीरियर में भी आप मार सकते हो क्योंकि इधर भी धूल है। जस्ट लुक एट दिस शाइनी हेलमेट, इतना अच्छे से क्लीन हो गया। काश कोई ऐसा लिक्विड भी रहता जो स्क्रैचेस निकाल सकता था, बट ठीक है यहाँ पर थोड़े स्क्रैचेस इसलिए क्लीन नहीं हुआ है। बाकी जितना भी है वाइजर आप निकाल कर भी अच्छे से साफ कर सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो फिर मैंने जैसा किया वैसे भी कर सकते हो। एंड अंदर तो थोड़ा सिट्रिक और अल्कोहलिक और स्पिरिट टाइप जो होते हैं ना, वैसे थोड़ी स्मेल है, तो अगर आप ओवरनाइट रख दोगे तो अच्छा हो जाएगा। अगर आप हेलमेट पहन लोगे, वाइजर बंद कर दोगे तो हो सकता है थोड़ा सफोकेशन हो, लेकिन ओवरनाइट रखोगे तो आई डोंट थिंक सो कि स्मेल कुछ आएगा, क्योंकि आई एम लाइक कि अगर कोई डीओ भी मार रहा है तो आई विल स्टार्ट स्नीजिंग, सो दैट हाउ डेलिकेट आई एम। लेकिन ये वाला हेलमेट सैनिटाइजर यूज करने के बाद मुझे ऐसा कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई है। एक तो आता है ये पुतोलिन का हेलमेट सैनिटाइजर,
और दूसरा आता है ये मोटुल का हेलमेट इंटीरियर क्लीनर। ये जो है सिर्फ इंटीरियर क्लीनिंग के लिए है। एक और आता है मोटुल का जो एक्सटीरियर क्लीन करता है। इंस्टेड ऑफ बाइंग टू डिफरेंट बॉटल्स यू कैन जस्ट टेक वन पुतोलिन का हेलमेट सैनिटाइजर एंड यू कैन यूज इट फॉर योर एंटायर राइड, स्पेशली बिकॉज व्हेन वी आर राइडिंग वी हैव वेरी मिनिमल लगेज रहता है और उसमें दो दो बॉटल कैरी करने से अच्छा एक बॉटल कैरी करना इज रेकमेंडेड राइड। और ये जो है वो फोम बेस्ड नहीं है, ये लिक्विड बेस्ड है। तो ये जो है वो 370 का है और ये पूरा बॉटल जो इंटीरियर एक्सटीरियर आपका वाइजर आपका जो विंडस्क्रीन है सब कुछ क्लीन करने के लिए दिस इज फॉर 599। तो ये और ये दो बॉटल और अगर ये एक सिर्फ खरीदोगे तो आई थिंक कॉस्टिंग उतना ही आ जाएगा। सो दिस इज रिकमेंडेड। Also wanted to say that guys, Vroom store पे आप जब भी आओगे Vroom team हमेशा हमेशा आपको सही recommendation देगी। It's not about कि ये branded है तो ये use करना है, ये brand इतना नाम नहीं है इसका तो ये brand नहीं use करना है, ऐसा कुछ नहीं है। Vroom store is always about quality और हम लोग ने quality आज तक अधेयर किया है, आगे भी अधेयर करेंगे। अगर कोई brand हम लोग को ठीक नहीं लगता है, उसकी quality अच्छी नहीं लगती है तो हम लोग हमेशा आपको help करेंगे और हम हमेशा try करेंगे कि यहाँ पर quality सामान ही रखे। So that's all about this video. If you liked it, make sure like, share, subscribe. Do not forget to wear helmet and always keep roaming, everyone.